दोस्तों माघी पूर्णिमा 5 फरवरी 2023 हिंदू धर्म में एक ऐसा पर्व जो आपके गरीबी को, आपके पितृ दोषों को, आपके जन्मों के संकटों को मुक्त करता है। दोस्तों हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का बहुत ही बड़ा महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन किए गए स्नान, पूजा पाठ और दान पुण्य का विशेष फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में वैसे तो सभी पूर्णिमाओं का महत्व बताया गया है, लेकिन माघ पूर्णिमा का बहुत ही ज्यादा फलदायी महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन स्वर्ण से समस्त देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। इसीलिए इस दिन गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से यह भी विधान है कि इस वर्ष आपके जन्मों के कष्ट मिट सकते हैं। इस वर्ष माघ पूर्णिमा 5 फरवरी 2023 को है और इस दिन कई शुभ संयोग बन रहे हैं। माघ पूर्णिमा पर इस बार कई दुर्लभ योग बन रहे हैं। इस दिन रवि पूर्णे योग समेत कई दुर्लभ योग बनने की आशा है। इन शुभ योग में अगर आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप लोग झाड़ू के नीचे चुपके से रात को सोने से पहले यह एक चीज जरूर रख देना, जन्मों के आप लोगों के पाप मिट जाएंगे। दोस्तों माघ पूर्णिमा माता लक्ष्मी को खुश करने का बस एक उपाय है, वो है झाड़ू के नीचे चुपके से यह एक चीज जरूर रख दे। दोस्तों हिंदू धर्म में सभी देवी देवताएं एक जो है झाड़ू का वास मानते हैं। साफ सफाई सभी लोगों को पसंद होता है। वैसे दोस्तों सबसे प्रिय जो है माता लक्ष्मी को झाड़ू आती है, तो झाड़ू के नीचे आप लोग एक छोटी सी चीज जरूर रख देंगे जो आज की हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों झाड़ू को आप लोग कुछ उपाय हैं जिससे आपके घर पर गरीबी दूर हो सकती है। झाड़ू को आप लोग हर जगह पर न डालें, झाड़ू को आप लोग साफ सुथरा करके रखें ताकि माता लक्ष्मी आपके ऊपर खुश हो जाए। झाड़ू को आप ज्यादातर खुले स्थानों पर न डालें, झाड़ू को एक ऐसे जगह पर रखें जहां आपकी नजर न पड़े। झाड़ू को हमेशा खुली जगह पर नहीं रखना चाहिए, झाड़ू को जो है किसी चीज से ढककर रखना चाहिए या फिर जो है किसी के पीछे छुपा कर रखना चाहिए। अगर आपके घर पर झाड़ू जो है इधर उधर पड़ा रहता है आपके नजरों के सामने, बार बार आप लोग उस पर नजर डालते हैं और वो झाड़ू आपके सामने इधर उधर पड़ा रहता है, तो आपके घर पर बहुत ही दिक्कत आ सकती है, माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। दोस्तों अगर आपको माता लक्ष्मी को खुश करना है तो आप लोग झाड़ू को जो है उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा में रखें और उसको हमेशा ढक के रखें। आप जब भी सफाई करके आए तो झाड़ू को धुल दें और उसके बाद जो है रखें, झाड़ू को कभी गंदा बनाकर ना रखें। इससे दोस्तों माता लक्ष्मी आपके घर पर नाराज हो जाती है। अगर आपके घर पर झाड़ू गंदा रहता है तो आपके घर पर माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दोस्तों पैसा कमाने के लिए आप लोगों को बहुत सारी मेहनत करना पड़ता है। आपके घर पर पैसा आता है लेकिन आपका पैसा टिकता नहीं है, तो उसके लिए आप लोग झाड़ू के नीचे एक चीज जरूर रख देना है। वो दोस्तों अगर आपके घर पर अगर चांदी का सिक्का है या फिर जो है आपके घर पर अगर चांदी का सिक्का नहीं होता है, अगर आपके घर पर चांदी का सिक्का हो जाता है तो आपको माघ पूर्णिमा के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे उत्तर की दिशा में रखकर झाड़ू के नीचे एक छोटा सा आपको 1 रुपए का सिक्का रख देना है। चांदी का हो सके तो चांदी का रख देना, नहीं तो आपके घर पर आपका जो रुपया होता है या फिर जो आपका एक सिक्का होता है उसको जो है झाड़ू के नीचे रख कर माता लक्ष्मी से आप लोग अपनी मनोकामना मांगेंगे। इससे दोस्तों आपके घर के सारे दुख तकलीफ, पैसों से रिलेटेड अगर आपको दिक्कत आ रही है तो इन चीजों से निवारण मिल सकता है, क्योंकि माता लक्ष्मी झाड़ू से अत्यधिक प्रेम करती है। तो झाड़ू के नीचे आप लोगों को पैसा रख देना है, एक सिक्का कोई रख देना है ताकि आपका जीवन में पैसों से रिलेटेड कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों ये उपाय आपके लिए बहुत ही कारगर होगा, तो एक बार जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करिएगा। जय लक्ष्मी माता।